कभी सोचा है? आपकी वीडियोस जो पहले 10,000 व्यूज ले आती थी, अब उन पे 100 व्यूज के लिए भी तरस रहे हो। 0 व्यूज, नो ग्रोथ और शॉर्ट्स फीड तो ऐसा लगता है जैसे यूट्यूब ने ब्लॉक ही कर दिया। क्या आपने ये कभी सोचा है आपका चैनल फ्रीज क्यों हो गया? आप वीडियो बनाते हो, बेस्ट थंबनेल लगाते हो और फिर भी व्यूज 0, मतलब पूरा 0। आप रिफ्रेश पे रिफ्रेश मारते हो पर वो एक एक्स्ट्रा व्यू तक नहीं आता। ये फ्रस्ट्रेशन आपको अंदर से खत्म कर रही है, राइट? लेकिन रुको, मैं यहाँ किसी मैजिक ट्रिक के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं बात करने आया हूँ रियलिटी की। अगर आपको लगता है कि बस एक शॉर्टकट से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियसली अपना चैनल अनफ्रीज करना चाहते हो तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया तो आपका चैनल ऐसे ही फ्रीज रहेगा और मैं ये नहीं चाहता कि आपकी मेहनत वेस्ट जाए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्यूज 0 पे अटकते क्यों है। रियलिटी ये है कि यूट्यूब को सिर्फ वो वीडियो पसंद है जो ऑडियंस को एंगेज करे। अगर आपकी वीडियो सिर्फ 5 सेकंड के बाद स्किप हो जाती है तो यूट्यूब सोचता है ये वीडियो किसको दिखाऊं, जब लोग देख ही नहीं रहे। और जब व्यूज 0 पे अटकते हैं ऐसा लगता है जैसे चैनल में जान ही नहीं बची। पर सच ये है, अगर ऑडियंस 30% से ज्यादा टाइम वीडियो देख रही है तो यूट्यूब को ये सिग्नल मिलता है कि अरे इसमें कुछ तो इंटरेस्टिंग है। पर अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन 10% या 15% है तो यूट्यूब सोचता है ये वीडियो तो बोरिंग है, इसको पुश करना वेस्ट है। तो पहला काम, ऑडियंस को पकड़ के रखो, उन्हें लीव करने का मौका ही मत दो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, शॉर्ट्स फीड, जहाँ हर क्रिएटर वायरल होने का सपना देखता है। आप सोचते हो बस शॉर्ट्स फीड में आ गए तो वीडियो वायरल हो जाएगी, पर जब आपका शॉर्ट्स वहाँ दिखना ही बंद हो जाए तब कितना दर्द होता है ना। असली प्रॉब्लम ये है स्वाइप रेशियो, मतलब अगर 100 लोग आपका शॉर्ट्स देख रहे हैं और 80 लोग 2 सेकंड्स में स्वाइप कर रहे हैं, यूट्यूब उसको प्रमोशन से रोक देता है। इसका मतलब आपको वो पहले 3 सेकंड धमाकेदार रखने पड़ेंगे जैसे कोई बम फट रहा हो, क्योंकि तभी लोग रुकेंगे, वरना स्वाइप मार के चले जाएंगे। और अगर आप इसको ठीक नहीं करते तो आपकी वीडियो शॉर्ट्स फीड में कभी भी नहीं जाने वाली, क्योंकि आपका शॉर्ट्स बस 1 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि आपका वीडियो वायरल होने वाला है या फ्लो। क्योंकि आप सोचते हो कि सिर्फ वीडियो क्वालिटी से काम हो जाएगा, नहीं, टाइटल लेंथ और हैशटैग्स के छोटे छोटे ट्रिक्स आपका चैनल थोक कर सकते हैं। अगर टाइटल 60 कैरेक्टर्स से लंबा है यूट्यूब उसको कट कर देता है। आपको लगता है कि हाउ टू अनफ्रीज योर चैनल इन 2024 एंड गेट 10,000 व्यूज, सही है, लेकिन यूट्यूब ने हाउ टू अनफ्रीज योर दिखाया। इसका मतलब व्यूअर्स को क्लियरली नहीं पता चलता कि वीडियो किस बारे में है। और हैशटैग सिर्फ 3 से 4 यूज करो, पर सही वाले, जैसे हैशटैग अनफ्रीज चैनल, हैशटैग यूट्यूब ग्रोथ, हैशटैग वायरल शॉर्ट्स। ज्यादा डाल दोगे तो एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाता है। और आपको क्या लगता है कंफ्यूज एल्गोरिथम आपके वीडियोस को प्रमोट करेगा? बिल्कुल नहीं। आप रैंडम टाइम पे वीडियोस डालते हो, अगर हाँ तो ये सबसे बड़ी गलती है। इमेजिन करो आपकी ऑडियंस शाम को एक्टिव है लेकिन आप सुबह 7 बजे वीडियो डाल रहे हो, जब आपकी ऑडियंस सो रही होती है तब आप कंटेंट ड्रॉप कर रहे हो। अब बताओ कौन देखेगा? असली गेम एनालिटिक्स में छुपा है। देखो आपके सब्सक्राइबर्स किस टाइम पे एक्टिव हैं और उसी टाइम पे वीडियो ड्रॉप करो। जब आपकी ऑडियंस ऑनलाइन होगी तब उनको नोटिफिकेशन मिलेगी और इससे वीडियो को इनिशियल बूस्ट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ व्यूज मैटर करते हैं तो रियलिटी यह है कि रिटेंशन ही सब कुछ है। आपको लगता है कि वीडियो 10,000 व्यूज ले आई लेकिन अगर लोग 10 सेकंड में एग्जिट मार रहे हैं तो आपका फ्यूचर एग्जिट पे है। क्या करना है? स्टोरी टेलिंग को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि लोग एंड तक चिपक के बैठे रहे। एक ऐसा ट्विस्ट डालो जो उन्हें वीडियो छोड़ने ना दे, जैसे आप उनसे पूछ सकते हो एंड में मैं एक सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुना होगा। और आपको क्या लगता है कौन एग्जिट करेगा? जब उन्हें लग रहा हो कि कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो सकता है। और अब आप सोच रहे होगे ये तो सबने पहले भी बोला है, लेकिन सच बताऊं अगर आपको लगता है कि कुछ अलग करना जरूरी नहीं तो आपका चैनल फ्रीज ही रहेगा। रियलिटी यह है कि आपको मेहनत, पेशेंस और स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत है। तो क्या आप वो करने के लिए रेडी हो या फिर आप वही करोगे जो पहले करते आए हो और उसके रिजल्ट भी वही मिलेंगे? ये आपका बेकअप कॉल है। चैनल को अनफ्रीज करने का वक्त आ गया है, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो सीरियसली एक्शन लेंगे। और अगर वीडियो से कुछ समझ आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन से पॉइंट ने आपका दिमाग खोल दिया।